हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे थ्रेडिंग के बारे में। थ्रेडिंग किसे कहते हैं? देखिए, अगर आप लोग पार्लर का कोर्स करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं, कहीं पर भी आप करेंगे तो आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो ज़रूर सीखनी पड़ेंगी। तो बेसिक आप सीखिए, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि थ्रेडिंग किसे कहते हैं। और हम लोगों को जब भी हम किसी का आईब्रो बनाते हैं, थ्रेडिंग बनाते हैं, तो वो सबके फेस के अकॉर्डिंग कैसे होना चाहिए। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ वो है थ्रेडिंग। शरीर के अनचाहे बालों को निकालना ही थ्रेडिंग कहलाता है, जैसे अपर लिप, फोरहेड, भौहें। आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं हैं, उनके अपर लिप पे बाल होते हैं तो उसको हम लोग धागे से हटा सकते हैं। चीक्स पे अगर हेयर्स हैं उसे हम लोग धागे से हटा सकते हैं। फोरहेड और अपर लिप तो हम करते ही हैं, आईब्रो भी करते हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग आईब्रो कराने जाते हैं तो बहुत सारी महिलाएं अपने चिक्स के बालों को हटाती हैं, नीचे यहाँ पर चिन के पास में भी होती हैं, वहाँ पे भी हटाया जाता है। तो जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स हम लोगों के हेयर रिमूवल क्रीम से नहीं मतलब निकल पाते हैं, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, थ्रेडिंग के धागे की मदद से हटाते हैं। और आईब्रो बनाने से पहले सबसे पहले माथे के बीच के बाल निकाल कर शेप बनाया जाता है। शेप बनाने के लिए चेहरे को हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अगर आप देखिए, बहुत सारे लोग हैं, फेस किसी का गोल होता है, थोड़ा लंबा होता है, उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर गोल चेहरा है तो गोल चेहरे के हिसाब से आईब्रो जो होगी वो तिकोनी बनेगी, और अगर लंबा चेहरा है तो आईब्रो गोल बनेगी। तिकोनी का मतलब क्या होता है कि इस तरह की, जो बहुत सारी लड़कियां होती हैं आजकल, आप लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिमम जो लेडीज होती हैं वो इस तरह की ही थ्रेडिंग बनवाती हैं। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए, जब कभी भी हम लोग आईब्रो बनवाएंगे या फिर आईब्रो बनाएंगे, सीखने का जो एक तरीका है, तो पहले हम माथे के ऊपर के हिस्से को हटा देंगे, नीचे से हम लोगों को शेप देना है, लेकिन ऊपर से हम लोगों को कभी भी आईब्रो नहीं टच करनी है। जब भी कभी हम किसी का आईब्रो बनाते हैं तो ऊपर के एक्स्ट्रा हेयर्स को हम लोग निकालेंगे। एक्स्ट्रा हेयर्स को निकालने के बाद हम लोग नीचे के बालों को हटाकर शेप देंगे। पहले यहाँ से एक लाइन बनाकर उसके बाद शेप देंगे और एक्स्ट्रा हेयर्स हटा देंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आप अभी आप सीख रही हैं आईब्रो कैसे बनाना है या फिर कब बनाना है, तब आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए, जब कभी हम लोग, अगर आप लोग नई हैं, थ्रेडिंग बनाना सीख रही हैं, पार्लर का कोर्स करना चाहती हैं, आप लोगों को नहीं समझ में आता, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो ऊपर के जो एक्स्ट्रा हेयर्स हम निकाल देंगे और नीचे से हम लोग यहाँ से धागा चलाते हुए यहाँ से बालों को क्लीन करेंगे। तो इस तरह से हम लोग आईब्रो को बनाते हैं। तो देखिए, फोरहेड और अपर लिप पर कोई शेप की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ क्लीन कर देना चाहिए। फोरहेड में कोई शेप नहीं होता, अपर लिप में कोई शेप नहीं होता। थ्रेडिंग के बाद बालों को साफ करके ब्रश की मदद से बालों को आप हटा दीजिए। जो भी फेस पे आप जब आईब्रो बनाएंगे तो फेस पर आंखों के पास बाल गिर जाते हैं, उसको अच्छे से हटाकर टोनर से या फिर आपके पास क्लीजिंग मिल्क हो या जेल हो, अच्छे से लगा के हल्के हाथों से मसाज कर दीजिए। इससे क्या होगा, वहाँ की स्किन रेड हो गई है, वहाँ की स्किन थोड़ी सी जलने लगती है, तो उससे आराम मिलेगा और कस्टमर आपका हैप्पी हो जाएगा। उसके बाद थ्रेडिंग के प्रकार, तो देखिए तीन प्रकार की थ्रेडिंग बेसिकली होती हैं। पहली है डायमंड शेप की होती है, जिसमें शेप हमारा ऐसे डायमंड शेप का बनता है। दूसरी जो होती है वो हार्ट शेप की होती है, मतलब एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये हार्ट शेप की हो गई। और तीसरी होती है वो ओवल शेप की होती है, यानी थोड़ी सी ऐसे घुमावदार। मैक्सिमम जो लेडीज की होती है वो या तो इस तरह की होती है या इस तरह की होती है, ओवल शेप की बहुत ही कम ही देखने को मिलती है। अब हम लोग जानेंगे कि थ्रेडिंग करने से पहले क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो भी आपका कस्टमर आया है, अगर आपका खुद का पार्लर आप खोल रही हैं या घर में कर रही हैं या होम सर्विस दे रही हैं, तो सबसे पहले आपको अपने कस्टमर को अच्छी तरह से संतुष्ट करना चाहिए कि आपका कस्टमर दोबारा आपके पास आए जरूर। इसके लिए कस्टमर को बिठा कर आईब्रो पर पाउडर लगाइए, अच्छे से पफ की मदद से लगाइए, ब्रश की मदद से लगाइए, हाथ से लगाइए। उसके बाद कस्टमर से पूछेंगे, अगर कस्टमर कहता है कि फोरहेड क्लीन कर दीजिए तो फोरहेड हम लोग क्लीन करेंगे। उसके बाद आंखों के नीचे के पोर्स में शेप देंगे, पोर्शन में शेप देंगे। हाँ, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया आप लोगों को कि हम लोग नीचे से ही शेप देते हैं, ऊपर से कभी भी आईब्रो को टच नहीं करना है।
अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि देखिए आईब्रो बनाते समय हम लोगों को चिमटी या प्लकर का यूज करना होता है। तो देखिए आईब्रो बनाते समय यदि कोई बाल टूट जाता है या रह जाता है उसे प्लकर द्वारा निकाल सकते हैं। यह प्लकर स्टील का होता है, इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। देखिए जो ये प्लकर होता है, बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं हैं, घर में ही प्लकर से खींचकर बाल बना लेती हैं, हटा देती हैं, ठीक है वो भी ठीक है। लेकिन जब आपके पार्लर में कोई आता है तो आपने देखा होगा बहुत हार्ड हेयर्स होते हैं, बहुत सारी फीमेल्स के निकलते ही नहीं है, धागे से नहीं निकल रहे, तो हम प्लकर का यूज करते हैं। प्लकर की मदद से वहां के बाल हम लोग निकाल देते हैं। ये स्टील का होता है, इतना बड़ा सा होता है और बहुत ही मजबूत होता है। तो चलिए आप लोगों को देखिए मैंने यहाँ पर बताया आज आईब्रो के बारे में, ठीक है। अब मैं आप लोगों को देखिए बताऊंगी कि फोरहेड जो हम अभी आपको बता रहे थे कि फोरहेड क्लीन करते हैं अपर लिप, तो फोरहेड कहते किसे है इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। आंखों के ऊपर के हिस्से को फोरहेड कहते हैं, इसको हिंदी में माथा कहा जाता है। फोरहेड में कोई भी शेप नहीं दिया जाता, फोरहेड को थ्रेड के द्वारा साफ किया जाता है जिससे कि माथा क्लीन हो जाता है और फेस अच्छा लगने लगता है। अपर लिप ज्यादातर महिलाओं और लड़कियों के अपर लिप पर अनचाहे छोटे छोटे से बाल होते हैं जिनसे महिलाओं के चेहरे की खूबसूरती कम हो जाती है। इनसे छुटकारा पाने के लिए हेयर रिमूवर क्रीम, वैक्स, थ्रेड का यूज किया जाता है। लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका है वो है थ्रेडिंग के। थ्रेड से अगर हम लोग निकालते हैं हेयर्स तो फिर वो अच्छा होता है, देखने में भी अच्छा लगता है। और वैक्स से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वैक्स से क्या होता है कि वहां की स्किन लचीली हो जाती है, इसलिए वैक्स का यूज कम करना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को थ्रेडिंग के बारे में बताया है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को पार्लर से रिलेटेड ही कुछ बातें बताऊंगी। आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और अगर कमेंट में थ्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय बाय।